हेलो दोस्तों, स्वागत है मेडिसिन वॉक करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लेबम 625 mg, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो। दोस्तों उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेडिसिन के बारे आपको जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो अभी शुरू करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लेबम 625 mg। दोस्तों इसका कंपोजिशन की बात की जाए तो एमोक्सिसिलिन एंड पोटासियम कैल्बुलानेट टेबलेट आईपी करके इसका कंपोजिशन नेम है दोस्तों। और इसका पैकिंग कुछ इस प्रकार के आप देख सकते हो, एक डब्बा में आपको 10 टेबलेट मिल जाएंगे। कुछ इस प्रकार के टेबलेट हैं दोस्तों, देख सकते हो आप। सर इसका कंपनी की बात की जाए तो दोस्तों अल्केम हेल्थ साइंस ने बनाया है इसको, मैन्युफैक्चरिंग किया मतलब। और इसका MRP की बात की जाए तो 180 रुपये से 200 के बीच आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका क्या काम करता है, इसका बेनिफिट जानेंगे और इसका साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों, हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो इसका हम लोग किस प्रकार किस लिए हम लोग काम करता है दोस्तों, सुनिए। ये जैसे कि होता है दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट है दोस्तों। जैसे कि हमने बताया कि अभी ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट, ये बहुत सारे फंक्शन में यूज किया जाता है। जैसे कि दोस्तों जख्म वगैरह सुखाना हो या फिर खांसी वगैरह को ठीक करना हो, साथ ही बोला जाए आपको कि कोई मुंह में छला वगैरह हो तो फुंसी वगैरह हुआ तो उसको ठीक करना हो। साथ दोस्तों दांत वगैरह दर्द करता है तो उसके साथ पेन किलर के साथ ये एंटीबायोटिक दिया जाता है दोस्तों, एमोक्सिसिलिन 500 या फिर 625 mg दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों उसमें ये आपको एंटीबायोटिक। बहुत सारे ऐसे होते हैं दोस्तों जो एंटीबायोटिक के तौर पर यूज किया जाता है, वैसे भी इसको भी यूज किया जाता है। इसका हम लोग डोजेस की बात की जाए तो दोस्तों इसको हम लोग एक गोली सुबह एक गोली शाम लेंगे एडल्ट के लिए। जैसे कि होता है ना एडल्ट आपको 18 से 20 साल के ऊपर के लिए, देख सकते हो कुछ इस प्रकार के हैं। और इसका साइड इफेक्ट की बात की जाए तो दोस्तों साइड इफेक्ट में हम लोग पता चलता है, जैसे कि इसको हम लोग खाने के बाद अगर जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा, पसीना वगैरह, और साथ ही फुंसी वगैरह होने लगेगा आपको फेस वगैरह में, तो पता चलता है ये साइड इफेक्ट वगैरह है। तो हम लोग इसका कोटेशन के लिए हम लोग मेडिकल में कांटेक्ट करेंगे या फिर डॉक्टर से सलाह लेंगे दोस्तों। और इससे भी ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसी मेडिसिन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।